हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी अपडेट 2024 काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर भी नजर आ रहा होगा, पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, कॉल भी आए थे और वीडियो पर कमेंट भी आए थे कि सर हमारा जो पेमेंट है 3000 रुपये का चालान वो कट गया है। अब ऐसे में वहाँ पर जो पेमेंट है वो फील्ड दिखा रहा है, तो अब ऐसे में क्या दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं साथियों, इनकी काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, मदर्स नेम और DOB डालने के बाद भी उनका जो रिकॉर्ड है वो नॉट फाउंड बता रहा है, उन अभ्यर्थियों को क्या करना है। और इसी के साथ यह गलती की तो नहीं मिलेगा कॉलेज, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं साथियों वो उस गलती को कर रहे हैं। और गलती देखो बार बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक ही बात बता रहा हूं आपको ना, फिर भी उस गलती को बार बार अभ्यर्थी दोहरा रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई है, अगर यही गलती आपने की तो साथियों आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। तो कौन सी वो गलती है जिसको आपको करने से बचना है, A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक अपना ऑल टाइम टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल भी है जिसे साथियों आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको BSTC के रिगार्डिंग सभी प्रकार के अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको उपलब्ध करवाई जाती है। आइए साथियों करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले तो हम यहां पर बात करने वाले हैं, एक दो कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप क्या है कि काफी बार जैसे वीडियो को कंप्लीट नहीं देख पाते हो ना, फिर आप कमेंट पे कमेंट मैसेज पे मैसेज करने लग जाते हो। तो यहां पर एक कमेंट था और इसमें एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया है, नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, अब क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था भैया कि जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, और यहाँ पर जैसे तुम इसमें थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें इसमें मोबाइल नंबर भी बता रखे है ना, ये वाले मोबाइल नंबर। देखो आवेदन संबंधित समस्या के लिए आपके ये रहते हैं ना, फिर इसके बाद बैंक के भुगतान से संबंधित समस्या के लिए आपके ये रहे, और समन्वयक कार्यालय यानी कि कार्यालय से संबंधित आप इनमें से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर भी मेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो काम आप कर सकते हैं और यहां पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है साथियों रिकॉर्ड नॉट फाउंड को लेकर, ये आपकी पूरी हेल्प विभाग की ओर से की जाएगी ना। काफी बार हो सकता है सर्वर की भी प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से भी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता हो सकता है ना। ओके ठीक है, बता रहा होगा। तो बाकी कोशिश करते हैं लगातार थोड़ा आप, ठीक है ना, तो कुछ समय बाद रिफ्रेश करके नहीं भी तो ये प्रॉब्लम आपको जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिए, इनमें से किसी भी नंबर पर मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई विभाग वाले दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साथियों, एक नेक्स्ट अगला सवाल था जैसे कि जाति कितना पुराना चलेगा बता दो ना प्लीज। मैं आपको जो ये वीडियो मैंने बनाया था ना BSTC काउंसलिंग 2024 कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए, ये 15 डॉक्यूमेंट रखो तैयार है ना। इसमें मैंने आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया था, फिर भी आप क्या है कि वीडियो को कंप्लीट अच्छे से नहीं देखते हो, फिर आप कमेंट पे कमेंट मारने लग जाते हो। तो मैंने यहां पर आपको अच्छे से बताया था कि जाति प्रमाण पत्र SC और ST का एक बार बनने के बाद हमेशा हमेशा लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अगर आपका ई मित्र वाला जो आजकल बनता है ना, मित्र पर डिजिटल वाला है ना, अगर वो आपका बनवा है तो आपका लाइफ टाइम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद OBC MBC वालों का रहता है ज्यादा से ज्यादा एक साल पुराना आपका चल जाएगा, ठीक है। अगर एक साल पुराना नहीं है, उससे ज्यादा पुराना किसी के जैसे 15 महीने, किसी के 16 महीने, किसी के 2 साल, तो उसको आप रिन्यू करा लें, नहीं तो आपको एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम आएगी और आपका 5 से 6 दिन के अंदर अंदर अभी से बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट जो EWS वाले अभ्यर्थी हैं उनका EWS बनता है, उसको भी वो रिन्यू करा लें क्योंकि उसका भी 1 वर्ष की समय सीमा होती है। अब एक अभ्यर्थी का यहाँ पर कमेंट और आया था, मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र 2012 का है, अभी 432 मार्क्स आए OBC फीमेल, तो क्या ये मूल निवास चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि बस जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको नया बनवाना पड़ता है, बाकी जो मूल निवास आपका होता है लगभग चाहे कितना भी पुराना आपका चल जाएगा ना। और बाकी अगर आपके पास समय है तो नया भी बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो आप क्या है कि वीडियो को पहले पूरा देखा करो, तब जाकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना।
वीडियो आप देखते नहीं हो, फिर आप इधर उधर भागा दौड़ी करते रहते हो। तो ये मैंने अब आपको साथी बता दिया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो आपको अब क्या करना है, ठीक है, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका यहाँ पर पेमेंट कट गया, 3000 रुपए अकाउंट से तो कट गए, लेकिन अभी तक जब आप अपने काउंसलिंग आईडी डाल रहे हो और यहाँ पर फिर भी पेमेंट शो नहीं हो रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक यहाँ पर अपडेट किया गया विभाग की ओर से। और वो अपडेट क्या किया गया है, वो अपडेट किया गया है उन अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पर आपको देखो जैसे आप इसे ओपन करते हैं साथियों विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को, तो यहाँ पर आपको एक इसमें ऑप्शन नजर आएगा और ये ऑप्शन यहाँ पर किसका होने वाला है, ये ऑप्शन आपके लिए है साथियों पेमेंट स्टेटस का। इस पेमेंट स्टेटस पर आपको जाना है। जैसे आप इस पेमेंट स्टेटस पर चेक करते हैं यहाँ पर, तो ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने देखो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि डिटेल्स में आपसे आपकी काउंसलिंग आईडी मांगेगा, आपका रोल नंबर, मदर्स नेम और आपका डीओबी, और यहाँ पर आप इसे प्रोसेसर पर क्लिक कर देना है ना, ठीक है। तो आपका पेमेंट स्टेटस आपको नजर आ जाएगा, दिखा देगा आपका कि भाई आपका पेंडिंग चल रहा है या फिर कितने से कितने घंटे में आपका, देखो काफी बार क्या होता है 24 से 48 घंटे में अपडेट होता है ना, तो वो सारी बात आपको यहाँ पता चल जाएगी, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताए थे अभी, है ना, हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताए थे इन पर आप मैसेज करके नहीं जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर। अब एक बात और साथियों मैं आपके लिए बताता हूँ, यहाँ पर जो ज़्यादातर विद्यार्थी गलती कर रहे हैं कॉलेज भरते समय, एक विद्यार्थी का मेरे पास कॉल आता है और वो बताता है कि मैं, उसके नंबर थे 420, है ना, 420 नंबर थे और उसने बस कितने कॉलेज भरे भैया, उस अभ्यर्थी के द्वारा कॉलेज भरे गए थे उसने ओनली फॉर 5 कॉलेज भरे, कितने कॉलेज भरे, 5 कॉलेज, ठीक है ना। ये ज्यादा समझदार कौन से अभ्यर्थी बनते हैं, ये ज्यादा समझदार वो अभ्यर्थी बनते हैं जिनको थंबनेल नजर आ जाता है ना, जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं फर्जी यूट्यूबर्स जो बच्चों को कुछ व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए बच्चों को गुमराह करते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चों का इन वीडियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। बस उनको तो YouTube पर वीडियो बनाने से मतलब है ना, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, और लिख देंगे कि ये 5 कॉलेज पक्का भरे, है ना, ये 5 कॉलेज, ऐसे 5 कॉलेज जो कोई भी नहीं भरता, इनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, 300 पर नंबर जाता है, ये है वो, मतलब तमाम प्रकार की इतनी अच्छी अच्छी बातें थंबनेल पर लिख देते हैं जिससे कि पक्का अभ्यर्थी क्लिक बेल्ट करेगा थंबनेल पर और वीडियो देखेगा। मतलब आप वीडियो देखते हो ना तो उसमें लेना देना कुछ नहीं है। तो इस अभ्यर्थी ने जो गलती की थी 420 नंबर होने के बाद इसने वही 5 कॉलेज भरे थे जो इसे उस वीडियो में बताए गए थे कि बस ओनली ये 5 कॉलेज भर दो और आपका नंबर आ जाएगा। ये नंबर ऐसे नहीं आएगा। मैंने आपसे कितनी बार बोला था चाहे आपके 450 नंबर हैं तो भी आप गलती मत करो, क्योंकि ये पिछली बार मैं आपको बता चुका हूं 2023 में एक अभ्यर्थी के, 2023 में एक अभ्यर्थी के जो नंबर थे बहुत अच्छे नंबर थे, 450 प्लस नंबर थे और उसने 9 कॉलेज फिल करी और 9 कॉलेज वो फिल करी टॉप वाले। भाई तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि तुमसे अच्छे नंबर वाले भी अभ्यर्थी हैं, तुम ये सोच रहे हो कि हमारे नंबर हैं, तुम्हारे तुमसे भी अच्छे नंबर वाले बैठे हैं, हो सकता है जो 5 कॉलेज तुमने फिल करी हो उसमें अच्छे टॉप वाले बच्चों ने वो 5 कॉलेज फिल करी हो, है ना। तो मेरा आप सभी साथियों को इतना ही कहना है, चाहे आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, आप काउंसलिंग करा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज फिल करो, चाहे पूरे के पूरे कर दो, चाहे 33 के 33 जिले फिल कर दो, गलती मत करो बिल्कुल भी भैया। अगर आपको कॉलेज लेना है तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज फिल करना है, ज्यादा कॉलेज फिल नहीं करोगे तो फिर अंत में पछताओगे और यही कमेंट वीडियो पर करोगे कि सर कॉलेज नहीं मिला इतने नंबर होने के बावजूद, अब मैं क्या करूं, फिर कुछ नहीं, वही 1 साल फिर पछताना पड़ेगा आपको, 1 साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अब की बार तो 450 पर नंबर आ रहा है, अगली बार फिर 500 पर नंबर आएगा, क्योंकि आपको पता है दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और ये तो हाल तब है जब 50% महिला आरक्षण लागू हो रहा है, तब इतना कंपटीशन हो रहा है, आगे सोचो आप भविष्य में कितना भयंकर कंपटीशन होगा। तो इसलिए मैं सभी साथियों से बता देना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, वो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराते समय कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दें, ये ना सोचे कि मेरे तो 450 नंबर है मुझे घर में पास में कॉलेज मिलेगी, नहीं मिलेगी घर के पास में कॉलेज आपको बिल्कुल भी,
इस दिमाग से इस बात को निकाल देना, क्योंकि आपके बार बच्चों के नंबर बहुत अच्छे नंबर आए, टॉप नंबर आए हैं ना, ठीक है। तो बस आप सभी से बस मेरा इतना विशेष निवेदन है कि कॉलेज सही तरीके से भरें, गलती ना करें, और फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई कमेंट्स आपका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।